नमस्कार आप सभी को। आज मैं एक अन्य वीडियो पे बात करना चाहूंगा। ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो आप देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, क्या हाल चाल है? ठीक हो, खैरियत से हो? ये मेरा बेटा कोई पैगाम देना चाहता है, ये जरा सुन ले। खान साहब, अगर इस्लामाबाद में मंदिर बना तो ये याद रखना, मैं उन हिंदुओं तो चुन चुन के मारूंगा, समझ गए? अल्लाह हाफिज। ये टावल है। हाँ ना, देख लो जी, अगे तुम्हारी मर्जी है भाई। तो आपने देखा इस वीडियो में ये आदमी अपने बच्चे को क्या शिक्षा दे रहा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में व्यक्ति अपने बच्चों को क्या शिक्षण देता है, क्या सिखाता है और क्या उनकी सोच है। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की सोच ये है कि हमें इस्लाम के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता। वो इतने अंधे हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि एक मंदिर बन जाने से वो लोग एक एक हिंदू को पकड़कर मार डालेंगे पाकिस्तान में। तो ये किस प्रकार की सोच है एक पाकिस्तानी की, या कह लीजिए कि एक मुस्लिम व्यक्ति की जो पाकिस्तान में रहता है। तो इस तरह की सोच रखने वाले लोग ना कभी आगे बढ़ते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं और ना ही इन लोगों का कभी विकास हो सकता है। इनकी सोच घोर निंदनीय है। इन लोगों ने इंसानियत के नाम पर कलंक लगाया है और आने वाले भविष्य को बिगाड़ने का ये जो काम है, ये जो पाकिस्तानी कर रहे हैं, इसका खामियाजा इन्हें खुद भुगतना होगा और जल्द ही ये भुगतेंगे। जय श्री राम।